ये दोनों एथलीट हमको आर्नोल्ड क्लासिक 2023 में दिखने वाले हैं, जो कि मार्च के फर्स्ट वीक में होने वाला है। और अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। जो मिस्टर ओलंपिया में इनकी परफॉर्मेंस रही, जैसे कि हम जानते हैं एंड्रयू जैक की 8th प्लेस आई है और 5th प्लेस पे फिनिश किया है बिग रैमी ने। तो आपको क्या लगता है कि आर्नोल्ड क्लासिक 2023 में ये दोनों की टक्कर कैसी होगी और कौन किसको बीट करेगा? तो ये कंपैरिजन जो है वो काफी अच्छा होने वाला है। मेक श्योर ये वीडियो पूरी जरूर देखना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको वीडियो का अपडेट लगातार मिलता रहे। तो ये वीडियो करते हैं शुरू। अगर हम बैक डबल बाइसेप्स की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो डेंसिटी है बिग रैमी की, जो अपर बैक आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा ठीक है, सेपरेशन काफ़ी अच्छी मेंटेन कर रहे हैं। बट अगर हम वी टेपर की बात करेंगे तो वी टेपर ज़्यादा बेटर एंड्रू जैक्ट का है। कहीं ना कहीं सॉफ्ट लग रहे हैं एंड्रू जैक्ट, बट वी टेपर काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। मिडल ट्रैप्स, रियर डेल्ट, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, शोल्डर हमको काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एंड्रू जैक्ट के। बट आप लोअर साइड पे आओगे तो बिग रैमी के आप ग्लूट्स देख सकते हो, हम हैमस्ट्रिंग्स देख सकते हो, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और बिग लग रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप एंड्रू जैक्ट की लेग्स देखेंगे तो डिसअपॉइंट किया है लेग्स में, बिकॉज लेग्स में कंडीशनिंग हमको देखने को नहीं मिली जो कि उन्होंने पहले दिखाई थी, उस लेवल की कंडीशनिंग के साथ नहीं आए थे। ग्लूट्स देख सकते हो आप, ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं। तो ओवरऑल फिजिक के अकॉर्डिंग ये पोज जाता है बिग रैमी को। तो यार जब हम अपर बॉडी की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो बिग रैमी है और एंड्रयू जैक्ड है, काफ़ी दोनों की ही अपर बॉडी बहुत अच्छी लग रही है। पर जैसे ही आप नीचे वाली साइड पे आते हो तो बिग रैमी का कोई जवाब नहीं है इस पोज में। आप देख सकते हैं ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, जो इनकी लेग्स का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत बड़ा साइज लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं क्वाड से चाहे मार खा गए, बट इस पोज में आप देखोगे तो आप उनको, इनके ग्लूट्स को देखोगे, हैमस्ट्रिंग्स को देखोगे, वेस्टस लेटरल को देखोगे क्वाड्स के, और काफ्स को देखोगे, बहुत शानदार पोज लग रहा है इनका। और दूसरी तरफ आप एंड्रयू जैक्ड की लेग्स को देखोगे तो लेग्स के मामले में काफ़ी डिसअपॉइंट किया है एंड्रयू जैक्ड ने, और उन्होंने पोस्ट में शेयर भी करा था कि वो अपनी पीक फॉर्म के साथ नहीं आए थे, बट स्टिल कुछ खास इंप्रेसिव लगे नहीं। और आर्नोल्ड में ऐसा लग रहा है कि बिग रैमी बीट कर सकते हैं इनको बहुत ईजिली, तो देखते हैं क्या होता है आर्नोल्ड क्लासिक में। तो ये पोस्ट जाता है बिग रैमी को। जब हम एब्डोमिन विद थाई पोज देखते हैं, तो इसमें यार आप एक चीज नोटिस करो कि इन दोनों के ही जो क्वाड्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लैट साइड पे नजर आ रहे हैं। अगर आप कंपेयर करोगे डेरिक लंसफोर्ड से, हार्डी चूपन से, काफी बेटर कंडीशनिंग, इवन कि आप निक वॉकर को देख लो, उनकी लेग्स बहुत शानदार थी, बट ये कहीं ना कहीं अपनी लेग्स में सेपरेशन, वो कंडीशनिंग दिखा नहीं पाए। अपर बॉडी डिसेंट है, काफी अच्छी है, बट अगर आप वी टेपर की बात करोगे तो वेस्ट साइज जो है बिग रैमी का बड़ा है एज कम्पेयर टू एंड्रयू जैक्ट। बट वहीं अगर आप बिग रैमी के सेटस इंटीरियर देखोगे एप्स और लैट्स वाली साइड पे, तो आपको ज़्यादा बेटर लगेंगे। और दूसरी तरफ एंड्रयू जैक्ट कहीं ना कहीं उस साइड से थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहे हैं, चाहे कि वी टेपर काफ़ी अच्छा है, बट जो डेंसिटी और सेपरेशन हमको नज़र आ रही है वो हमको बिग रैमी की ज़्यादा बेटर लग रही है। तो ये पोज भी बिग रैमी को जाता है। जब आप बैक लैट स्प्रेड देखते हैं, तो आप देखते हैं कि यार जो लैट्स इतना बाहर विड्थ निकल के आ रही है जो एंड्रयू जैक्ड की, वो काफ़ी इंप्रेसिव है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बिग रैमी है, काफ़ी हार्ड लग रहे हैं, बट ये पोज में भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट साइज बड़ा है, और बट एक प्लस पॉइंट बिग रैमी का है कि यार वो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग वाली साइड से बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। और दूसरी तरफ एंड्रयू जैक्ड का ये पोर्शन बहुत ज़्यादा वीक है, क्वाड स्टिल बेटर है एंड्रयू जैक्ड के, बट जब आप हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स वाली साइड पर आओगे तो वो आपको फ्लैट दिखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बिग रैमी के ग्लूट्स में आप फाइबर्स देख सकते हो, मसल फाइबर कितना शानदार लग रहा है, बट दूसरी तरफ आप देखोगे तो सॉफ्ट लग रहे हैं कहीं ना कहीं एंड्रयू जैक्ड। बट वी टेपर काफी अच्छा है, तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स पे एंड्रयू जैक्ड को, तभी वो बीट कर पाएंगे बिग रैमी को, अदरवाइज बिग रैमी बहुत इजिली इनको बीट कर देंगे। जब आप एनी साइड ट्राइसेप्स देखते हैं, तो इस पोज में आर्म्स वाली साइड पे बिग रैमी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हमको नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज जो ट्राइसेप्स का शॉर्ट हेड है वो चाहे जेनेटिक्स है, बट कुछ खास अच्छी कंडीशनिंग दिख नहीं रही है। और दूसरी तरफ एंड्रयू जैक्ड की आर्म्स बेटर हैं, शोल्डर में स्टाइलेशंस देख सकते हो, शाइन कर रहा है भले, बट आप देख सकते हो स्टाइलेशंस काफी अच्छा, मसल फाइबर दिख रहा है। और दूसरी तरफ इस साइड पे बिग रैमी इंप्रेसिव नहीं है, और चेस्ट काफी अच्छी लग रही है, मिड सेक्शन भी ठीक ठाक है, और लेग्स वाली साइड से तो अनबीटेबल है
आप देख सकते हो बिग रैमी को, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, वेस्टस लेटरल थाइस का, क्वाड्स का। और दूसरी तरफ आप देखोगे एंड्रयू जैक को तो फ्लैट साइड में है बिल्कुल, हैमस्ट्रिंग्स ग्लूट्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो यार ये सबसे बड़ा रीज़न था इनके हारने का मिस्टर ओलंपिया में। और इस बार आर्नोल्ड में भी ये रीज़न हो सकता है, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं और इतनी जल्दी इम्प्रूव करना इतना इजी नहीं होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है इस बार। तो जैसा कि हमको पता है कि एथलीट्स जो है काफ़ी बड़े बड़े एथलीट्स ने एंट्री ले ली है, निक वॉकर हो गए, सैमसंग डॉटा हो गए, शॉन ग्लाइडा हो गए, बिग रैमी, तो इस बार इतना इजी होने वाला नहीं है एंड्रयू जैक के लिए, बिकॉज लेग्स वाली साइड से काफ़ी वीक लगे थे और आकर सीधा आर्नोल्ड जीतना इतना इजी नहीं होने वाला है। और टॉप कंटेंडर मेरे यही तीन होने वाले हैं, निक वॉकर, सैमसंग डॉटा और बिग रैमी। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, इनकी क्या प्लेसिंग आती है। आई होप ही विल डू वेल, बट इतना इजी लग नहीं रहा है। ब्लूट्स देख सकते हो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है नहीं, तो देखते हैं क्या होता है इस बार। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।